तो अभी हम डेना वाइट और खबीब के बीच में जो इंटरव्यू होने वाला था, इंटरव्यू नहीं मतलब सिट डाउन जो होने वाला था, जो बातचीत होने वाली थी बहुत दिन से, और ये जो बातचीत करने का इसको ही बोला जा रहा था ना कहीं पॉडकास्ट पे, मैंने सुना था कि इसको भी लाइव स्ट्रीम करने का प्लान चल रहा है और इसको भी पेपर व्यू पर बेच सकते हैं लोग। इट्स लाइक ऐसा लेकिन हुआ नहीं, लेकिन तब भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है डेना वाइट, लेकिन बिजनेसमैन है वो। इस तरीके की चीज जो एथलीट के साथ बातचीत होती है प्राइवेट, उसको थोड़ी ना लाइव स्ट्रीम पर बेचा जाएगा। अगर वो लाइव स्ट्रीम पर बेचा जाएगा तो वो प्राइवेट इंटरव्यू थोड़ी ना हुआ, वो तो फिर पब्लिक ही हो गया। लेकिन हम जब ये आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, तो हमको लग रहा था कि अरे मतलब डेना वाइट ने क्या बात की है और खबीब कब फाइट करने वाला है। तो बेसिकली एक तरीके से अभी ये ब्रेकिंग न्यूज टाइप की है कि खबीब और डेना वाइट के बीच में जो बात हुई है उसमें खबीब ने ये कहा है कि 257 डस्टिन पोरिये और कॉर्नर मेग्रेगर के बीच में जो मेन इवेंट है और को मेन इवेंट चैंडलर वर्सेस हुकर, तो ये चारों और एक ऑलोवेरा, ये पांच अभी रडार में है खबीब के। इन दोनों के बीच में जो जो फाइट होने वाली है, जो मेन इवेंट और को मेन इवेंट, इसमें कोई भी स्पेक्टैक्युलर टाइप का, स्पेशल टाइप का एकदम परफॉर्मेंस देगा ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लगेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, या मतलब नॉकआउट ऑफ द ईयर टाइप का ये वाला कोई भी मैच होगा ना, तो खबीब वॉन्ट टू फाइट दैट गाय। मतलब अब तो कॉर्नर मेग्रेगर एक तरीके से, पहला बात की इन दोनों के, खबीब और कॉर्नर मेग्रेगर के बीच में फाइट की बात चल रही है, और हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब कुछ क्लोज हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा, तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि हो जाएगा। और डेना वाइट ने जो स्टार्टिंग में भी कहा था, वो खबीब अभी कह रहा है, या डेना वाइट ने वो बात खबीब को बोली कि इतना जल्दी जो तुमने उस वक्त डिसीजन लिया था, इतना हेस्टी डिसीजन लिया था, वो लेना नहीं चाहिए था। और उसके ये बात जब डेना वाइट ने बोला ना, तो खबीब ने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब खबीब भी चाहता है थोड़ा ज्यादा कंपिटिटिव, जो मतलब जो अंदर का जो फाइटर है वो अभी भी फाइट करना चाहता है। लेकिन खबीब और डेना वाइट के बीच में जब बात स्टार्ट हुई, तो डेना वाइट ने ये बात बोला कि, खबीब ने बोला कि जो वो एकॉम्प्लिश करना चाहता था इस फील्ड में, वो एकॉम्प्लिश कर चुका है, अब वो एक तरीके से कोचिंग के इसमें आना चाहता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल फाइट, जो मैंने आपको बात की कि कोई भी फाइटर अगर बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर टाइप का परफॉर्मेंस देगा, तो मैं बेल्ट होल्ड नहीं करूंगा और उससे फाइट करूंगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है खबीब के फैंस के लिए, या एमएमए के फैंस के लिए बेसिकली, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि खबीब अभी रियली में पाउंड फॉर पाउंड वन ऑफ द बेस्ट है। जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिया था जस्टिन गेची के अगेंस्ट में, माई गॉड, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस आपको इमोशनली सिचुएशन से वो गुजर रहा था, उसका कोच, उसका फादर, उसका कोच, पहले फादर बोलना चाहिए हमको, फादर कोच, मतलब इतने ज्यादा जो क्लोज थे वो, और कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया बेसिकली, और उसको ये करके, और उसके बाद से उसकी माँ ने बोला था कि ये वाली लास्ट फाइट होनी चाहिए और ये सब, उस वक्त ऐसा बोला था, अभी मतलब वो एग्री कर जाती हैं कि मतलब फिर से फाइट करो या नहीं करो ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन तब भी इतना बात बोला था। और ट्रेनिंग करने के वक्त जस्टिन गेची के मैच के लिए वो इंजर्ड हो गया था, और उसके बाद मैच के बीच में टो फ्रैक्चर हो गया था, बेसिकली आप समझ रहे हैं एक तरीके से एकदम केओटिक हो गया था। खबीब का कैंप भी, खबीब का इमोशनल स्टेट भी होगा, और मैच के बीच में भी जब वो चोक के लिए जा रहा था, लेकिन तब भी मतलब खबीब एक तरीके से वन ऑफ द डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया, वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट को, जस्टिन गेची को, जो अभी भी है। तो बेसिकली ये कहा जाए कि अब कुछ हम लोग फिर से बात करने का, हम लोग को सब्जेक्ट मिल गया है, और खबीब अभी भी सब्जेक्ट में रहेगा, तो दैट्स ये सब सबके लिए खुशी की बात है।